हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से हम लोग बायोलॉजी को कवर करने जा रहे हैं और जो आज का टॉपिक हमारा यह मानव कंकाल एवं पेशियों से संबंधित, ठीक है। ये टॉपिक हमारा छूटा पड़ा था और बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं। जो लोग नए हैं, मैं चाहूँगा दोस्तों कि एक बार आप प्लेलिस्ट में आ जाओ दोस्तों, क्योंकि स्टडी 91 एक ऐसा चैनल है जहाँ पर डिटेल में पहले सब्जेक्ट को कवर किया जाता है, तब जो है जा करके उससे संबंधित आपको प्रश्न उत्तर कराए जाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होगा आपके लिए और बहुत ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा, ओके। और मैंने अपने पढ़ाने के तरीके में थोड़ी सी चेंजिंग लाई है, क्योंकि इसके पहले जो मैं वीडियो बनाता था दोस्तों, वो डायरेक्ट कॉपी पे लिख करके मूव करके बनाता था। ये भी मैंने ही लिखा है, ऐसा नहीं है, आप लोग राइटिंग देख के समझ सकते हैं। ये मैंने ही तैयार किया है नोट्स और इसको इस तरह से PDF फॉर्मेट में इसलिए बना के पढ़ा रहा हूँ ताकि ये जो क्लियरिटी है ना, ये क्लियरिटी आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो कोई दिक्कत खाली नहीं होगा। वहाँ पे क्या था कि स्केच पेन से मैं काम करता था और यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक यहाँ पर पेन दिया हुआ है। देखिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम शुरू करने जा रहे हैं मानव कंकाल की। मानव कंकाल को बोला जाता है ह्यूमन स्केलेटन। क्या बोला जाता है? ह्यूमन स्केलेटन। शरीर के भीतर अस्थियों का ढांचा ही क्या कहलाता है? कंकाल। यानी प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंदर जो अस्थियों का ढांचा है, यही कंकाल है। अब वो शरीर व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी जीव जंतु का भी हो सकता है, यानी कोई भी जीव जंतु जो इस धरती पर है उनके अंदर जो अस्थियों का ढांचा होता है वही क्या कहलाता है? उसका कंकाल कहलाता है। कंकाल को इंग्लिश बोलते हैं स्केलेटन, ठीक है। मानव का कंकाली ढांचा एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक का बना होता है। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में कई बार पूछता है कि ये जो कंकाल का ढांचा है किससे बना है, तो याद रखिए आपका उत्तर क्या होगा? संयोजी ऊतक। और इसमें भी किससे? तो संयोजी ऊतक के जो तंतु होते थे उनसे बना। आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा, संयोजी ऊतक से बना होता है और इसीलिए इस ऊतक को कंकाल ऊतक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कंकाल ऊतक। अब बात आती कंकाल ऊतक की, तो कंकाल ऊतक जो है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है। एक तो अस्थि होता है, दूसरा उपास्थि होता है। क्या क्या? अस्थि और उपास्थि। अस्थि को इंग्लिश में बोन बोलते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, लेकिन उपास्थि के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसको कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसको बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। तो जो हमारा कंकाल ऊतक होता है कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया, एक अस्थि यानी बोन, एक उपास्थि यानी कार्टिलेज, ओके। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अस्थि के बारे में, तो अस्थि का दोस्तों 38% जो भाग है वो ओसिन नाम के एक प्रोटीन से बना होता है। किससे? ओसिन नाम के प्रोटीन से। कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो अस्थि है दोस्तों ये किस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, या अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ओसिन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बायोलॉजी को देखो डिटेल में नहीं पढ़ोगे ना, कभी भी बायोलॉजी को हल नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे कि वो क्या पूछ रहा है, उसका उत्तर क्या होगा। बायोलॉजी नहीं दोस्तों, हमको हर एक विषय पर एक बार बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए मैंने ये व्यवस्था शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड तो कर पाते हैं बट उनको सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती। ऐसे में क्या उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इसलिए मैंने इस चैनल को शुरू किया था ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके और आगे बढ़ने के लिए आपको तरीके दिए जा सके। क्योंकि देखो, बढ़ना तो आपको है, समझना आपको है, हम एक क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको पुश कर सकते हैं पीछे से ताकि आपकी स्पीड थोड़ी सी बूम हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि 38% हिस्सा जो है ओसिन नाम के प्रोटीन से बना होता है, याद रखिएगा। और जो 62% हिस्सा है वो अकार्बनिक लवणों से मिलकर बना होता है। किससे? अकार्बनिक लवण। दो तरह के लवण होते हैं, कार्बनिक लवण होता है, एक अकार्बनिक होता है। तो जो अकार्बनिक लवण होता है उससे मिलकर बना होता है, और स्पेशली दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, एक तो है कैल्शियम फास्फेट, दूसरा है मैग्नीशियम फास्फेट। कई बार एग्जाम में पूछता है कि हड्डियों में क्या पाया जाता है, तो याद रखिए हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है और मैग्नीशियम फास्फेट भी पाया जाता है, और ये दोनों जो हैं हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले अकार्बनिक लवण हैं। और इनकी मात्रा क्या होती है? नॉर्मली जो हमारा ओसिन नाम का प्रोटीन है उससे कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वो तो हमारा क्या है 38% हिस्सा और ये क्या है 62% हिस्सा। तो इसको याद रखिए। इसी कारण जो अस्थियाँ होती दोस्तों ये ठोस होती हैं और साथ ही साथ कठोर भी होती हैं। आप कोई भी हड्डी ले लो, हमारे शरीर की कोई हड्डी देख लो, जो हड्डियाँ होती हैं वो ठोस भी होती हैं और कठोर भी होती हैं। तो किस वजह से? ये कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट की वजह से हड्डियाँ जो है ठोस और कठोर होती हैं। चलो, अब तो कुछ लाइन आपको समझ में आ गया होगा बोन या अस्थि के बारे में। बात आती है यार कि उपास्थि क्या होता है।
उपास्थि यानी कार्टिलेज क्या होता है? तो याद रखो, जो कार्टिलेज होता है यह अन्य संयोजी ऊतक के समान भ्रूण की मीजोडर्म से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है? मीजोडर्म। कई बार एग्जाम में भी पूछता है कि कहाँ से उत्पन्न होता है ये कार्टिलेज, तो याद रखिए यह भ्रूण के मीजोडर्म से उत्पन्न होता है। इसका मैट्रिक्स क्या कहलाता है? कांड्रीन कहलाता है। किससे मिलकर बना होता है? कांड्रीन से। और इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको बोला जाता है कंड्रोम्यूको। क्या बोलते हैं? कंड्रोम्यूको प्रोटीन। अस्थि के अंदर कौन सा था? तो ओसिन। और उपास्थि के अंदर कैंड्रोम्यूको प्रोटीन। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, और नहीं याद रखोगे तो फिर आपकी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ दोस्तों, कुछ लोग पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे, तो मैं पहले ही आपको बता देना चाहूँगा कि जैसे ही हमारा कोर्स कवर होता है, जैसे ही हम लोग इस बायोलॉजी वाले पार्ट को कवर करेंगे, मतलब पूरी बायोलॉजी हमारी तैयार हो जाएगी, तो इसका पीडीएफ मैं बना के आपको दे दूंगा। और बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, अगर अभी आप नोट्स अपना तैयार कर रहे हो तो कर लो, अदरवाइज जब ये पीडीएफ आएगा तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी पीडीएफ आएगा मैं इसका थोड़ा बहुत चार्ज रखूंगा, और ऐसा चार्ज रखूंगा जो हर लोग बियर कर ले, लाइक आपका 20 रुपये 25 रुपये कुछ इस तरह का चार्ज रखूंगा। क्यों रखूंगा? उसके पीछे में मैं आपको वजह बता दूंगा, आपको खुद लगेगा नहीं सर जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि मेरा टारगेट यार पैसा कमाना नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी फ्री में क्लासेस दे रहा हूँ, आप पूरे YouTube पर ढूंढ लोगे ना तो इस तरह की जो क्लासेज होती हैं वो किसी ना किसी पेनड्राइव कोर्स के तहत आपको दी जाती हैं, या पता चलता है कि नहीं आप उनका ऑनलाइन पैकेज परचेज कर लो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम पहले चीज़ों को सिखाते हैं, हम पहले क्या करते हैं चीज़ों को सिखाते हैं। रही बात नोट्स की, तो या तो आप खुद बना लो, आप स्वयं बनाओ नोट्स को, और बनाना भी चाहिए यार, मैं तो कहता हूँ आप नोट्स को स्वयं बनाओ, अपने हैंडराइटिंग में बनाओ। अगर आपको थोड़ा सा आपके पास समय की उपलब्धता कम है तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर तो दूंगा, लेकिन क्या है ना कि देखो अभी मेरे पास समस्या का है, मैं 20-25 रुपये रखने की बात क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है? देखो हमने पहले क्या किया था ना, शुरुआत में मतलब आज से करीब 6-7 महीने पहले मैंने पूरे स्टडी 91 का जितना भी मटेरियल था ना इसका कॉपीराइट ले रखा है, ठीक है, इसकी कॉपीराइट रखा लिया हूँ। अभी मैं इस मटेरियल को बहुत सारे बच्चे मांगते हैं तो मैं उनको दे नहीं पाता हूं। क्यों? क्योंकि ये कॉपीराइट जो है इसका उल्लंघन मैं खुद ही कर बैठूंगा। तो कॉपीराइट के थ्रू ये नियम होता है कि हम अपने मटेरियल की फोटोकॉपी या किसी तरह से उसको पब्लिश नहीं कर सकते, या तो हम इस बुक को बना के लॉन्च करें तो हमारी बुक तैयार हो रही है, लेकिन बुक बनने में बड़ा टाइम लग रहा है यार, उसको टाइपिंग करना, उसमें एडिटिंग करना, उसमें छांटना, फिर उसमें करेक्शन करना, ठीक है, फिर जो है उसको DTP पे काम करना, उसकी सेटिंग करना, अक्षरों की सेट करना, इमेज को सेट करना, बहुत बहुत काम है। मैं परेशान हो गया हूँ बुक को लेकर के, बहुत टाइम उसमें मेरा जाता है, तो ये काम चल रहा है। मुझे लग रहा है कि यार इतने समय में तो जब तक बुक आएगा तब तक बहुत बच्चों का नुकसान भी हो जाएगा, तो क्यों ना मैं, मुझे एक लोगों ने सजेस्ट किया कि सर आप क्या कर सकते हैं, एक ई बुक लॉन्च कर सकते हैं। हमने पूछा यार ई बुक कैसे लॉन्च होता है? उन्होंने कहा सीधे सीधे अपने नोट्स की जो है वो PDF कॉपी जनरेट करिए आप, ठीक है, एक PDF कॉपी जनरेट करिए और उसको आप लोगों में शेयर कर दीजिए। हमने कहा अगर ये मैं शेयर कर दूंगा तो फिर मेरे बुक का क्या होगा, जो बुक मैं छपा रहा हूँ उसमें जो भी कास्टिंग आ रही उसके लिए क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि आप इसका इतना मिनिमम रेट रख दीजिए ताकि ये जो है सेल की कंडीशन में आ जाए, ये क्या हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन में आके सेल की कंडीशन में आ जाए कि हाँ हमने इस चीज़ को सेल किया है। तो फिर मेरे भी दिमाग में आया कि चलो ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मैं ई बुक के ऊपर एक बार सोचता हूँ और आपको ई बुक के फॉर्मेट में पूरी की पूरी अपनी नोट्स ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखता हूँ जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा और ये जल्दी ही मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ओके। तो मुझे लगता है कि आप लोग यार 10-15-20 रुपये तो अफोर्ड कर ही लोगे, मैं इतना तो मान के चलो ना कि उसमें भी कोई दिक्कत है। जिसको दिक्कत होगा भैया बता देना कि सर मेरे पास 20 रुपये भी नहीं है, मैं कुछ व्यवस्था करूँगा अपनी जेब से खर्च करके आपको दे दूँगा, बशर्ते आप पढ़ाई मत बंद करना मेरे भाई, ठीक है, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, अपने देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाओ, समाज को आगे बढ़ाओ, ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है, पैसा उद्देश्य नहीं, ठीक है, क्योंकि जो खाना मैं आज खाता हूँ ना वही खाना मुझे कल भी खाना है, और चाहे मेरे पास 50,00,000 आ जाए, करोड़पति हो जाऊँ, अरबपति हो जाऊँ, कोई मैटर नहीं करता, आखिर मैं उतने में ही रहना है, ठीक है। तो मतलब क्या यार इतने सारे पैसे रख के करेंगे क्या, और अगर देश की भलाई हो सकती किसी काम में तो वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। आइए तो याद रखिएगा दोस्तों, अस्थि में जो प्रोटीन होता है वो ओसिन होता है, जबकि उपास्थि में जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं? कैंड्रोम्यूको प्रोटीन, याद रहेगा कैंड्रोम्यूको प्रोटीन। और एक बात और याद रखिए, ये जो प्रोटीन होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है श्वेत कोलेजन, एक होता है पीले इलास्टिक, ठीक है, ये दो भागों में बटा होता है, श्वेत कोलेजन और पीला इलास्टिक। तो ये दो तरह के तंतुओं के जाल में फैला होता है, ठीक है, इन्हीं दो तंतुओं में। अगर इन्हीं दो तंतुओं को मैं मिला दूं तो यही तंतु कार्टिलेज को दृढ़ता और लोच प्रदान करते हैं, और उसी वजह से जो अस्थियां होती हैं वो तो कठोर होती हैं लेकिन जो उपास्थि होती है दोस्तों वो नरम होती है, लचीली होती है, दृढ़ होती है, ठीक है।
ये क्या है, ये टूट सकती हैं, कठोर कठोर चीज़ें का टूटने का खतरा रहता है, जबकि जो लचीली चीज़ें हैं उनके टूटने का खतरा नहीं रहता है। तो याद रखिए, ये जो उपास्थि है ये लोसशील होती है। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अस्थियों के निर्माण में दो प्रकार की कोशिकाओं का योग रहता है, देखने को मिलता है। कितने प्रकार की कोशिकाओं का? दो प्रकार की कोशिकाओं का योग रहता है। एक को बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट ब्लास्ट, एक होता है ओस्टियोक्लास्ट। तो एक तो हो गया हमारे पास ब्लास्ट और दूसरा हो गया हमारे पास क्लास्ट, ठीक है। याद रखिए, ब्लास्ट में निर्माण होता है जबकि क्लास्ट में विनाश होता है। वाह वाह, क्या बात कर दिया। अरे यार, ब्लास्ट में विनाश करा दिया? नहीं, ब्लास्ट में विनाश नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ब्लास्ट में अस्थियों का निर्माण होता है जबकि ऑस्टियोक्लास्ट में अस्थियों का विनाश होता है, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अस्थियों का जो ठोस भाग होता है वो भी इसी से मिलकर बनता है, और जो बीच का अवकाश गुहा होता है, जो नलिका होती, वो भी इसी से बनता है। नहीं समझ में आया ना? चलो एग्जांपल देता हूँ। देखो, एक हड्डी का यहाँ पे स्वरूप मैं बनाया हूँ। तो हड्डियों में आप लोग देखते हो ना, हड्डियों में बीच में क्या होता है? छिद्र होता है, जिससे आर पार जो है दिखाई भी देता है। दिखाई अगर मुड़ी हड्डियाँ होंगी, नहीं दिखाई देंगी, सीधी हड्डियाँ तो दिखाई देंगी। तो मतलब आर पार के लिए जगह होता है। तो ऊपर का हिस्सा तो ठोस भाग है, और वहाँ पर क्या हो रहा है? अस्थियों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और अंदर क्या हो रहा है? धीरे धीरे ओस्टियोक्लास्ट हो रहा है, धीरे धीरे अस्थियों का विनाश हो रहा है। तभी तो छिद्र हुआ और इस पार से उस पार तक हो गया। तो ये नलिका के रूप में हमारी हड्डियाँ बन जाती है, और यहीं से हमारा शुरुआत होता है अस्थियों का विकास। तो देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ अस्थियों का विकास कैसे शुरू होता है। जो हमारा कार्टिलेज होता है ना, या जो हमारे संयोजी ऊतक के तंतु होते हैं, ये एक तरह के झिल्ली में पैक होते हैं। एक तरह के झिल्ली के अंदर जो है, इस तरह के अस्थियों का विकास होता है दोस्तों। इनको अगर आपसे पूछे कि अस्थियों का विकास का बाल्यकाल क्या है, तो आपका क्या उत्तर होगा? कार्टिलेज या संयोजी ऊतक के तंतु, याद रखें बाल्यकाल, ठीक है। और ये जो झिल्ली होता है, इसको बोलते हैं पेरीओस्टियम। क्या बोलते हैं? पेरीओस्टियम, ओके। चलिए यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। अब देखिए, जो कार्टिलेज होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, मैंने अथवा तो लगाया, लेकिन थोड़ा सा एक अलगाव भी यहाँ पे रहता है, ध्यान से देखिएगा। कार्टिलेज में क्या होता है कि इसमें जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। दीर्घ अस्थियाँ, इसके उदाहरण के रूप में कौन सी अस्थियाँ? दीर्घ अस्थियाँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं पाई जाती। वाहिकाएँ मतलब जो रक्त की नलिकाएँ वगैरह होती हैं, ये नहीं देखने को मिलती कार्टिलेज में। लेकिन अगर हम संयोजी ऊतक के तंतुओं की बात करेंगे, तो यहाँ पे चपटी अस्थियाँ इसका उदाहरण है, और इसमें रक्त वाहिकाएँ पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, एक सबसे जो मेन डिफरेंस है कार्टिलेज और इस संयोजी ऊतक के तंतुओं में, वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो है रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं, जबकि संयोजी ऊतक के जो तंतु होते हैं, इसमें जो है रक्त वाहिकाएँ पाई जाती हैं। और एग्जाम्पल के रूप में आप दीर्घ अस्थि और चपटी अस्थियों को याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी बात तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो दीर्घ अस्थि, इसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे क्या है? इसमें मज्जा गुहा पाया जाता है। मज्जा गुहा को बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। क्या बोलते हैं? मेडुलरी कैविटी, ठीक है। इसको मज्जा गुहा पाया जाता है, और इसी मज्जा गुहा में अस्थि मज्जा भी पाई जाती है। अस्थि मज्जा को बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अब मैं इसके अंदर आपको ले जाऊं। अस्थि मज्जा दोस्तों, जो हमारी हड्डी होती है उसके बीच में भरा एक तरह का पदार्थ होता है, बोन मैरो, ठीक है। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी, शायद क्रिस में मुझे याद आ रहा है, या किस मूवी में याद आ रहा है, उसमें बोन मैरो से संबंधित बहुत सारी टेक्नोलॉजी को वहाँ बताया गया था ना, क्रिस ही था ना, देखिएगा आप लोग। तो फिलहाल ये बोन मैरो की बात कर रहे हैं। तो याद रखिए, बोन मैरो होता कहाँ पर? तो मज्जा गुहा के अंदर होता है, और ये सब किसके पार्ट होते हैं? तो कार्टिलेज के पार्ट होते हैं। अब हम अगर अस्थि मज्जा की बात कर ही रहे हैं, तो अस्थि मज्जा जो होता है दो तरह का होता है, एक लाल होता है, एक पीला होता है, ठीक है। लाल और पीला, लाल वाले अस्थि मज्जा में दोस्तों जो RBC और WBC होती है, मतलब रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएँ, और वाइट ब्लड सेल्स मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएँ, ये दोनों पाई जाती हैं। हालांकि लाल वाले की मात्रा ज़्यादा रहता है और वाइट वाले की मात्रा कम रहती है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया? लाल अस्थि मज्जा। क्या रखा गया? लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो, ठीक है। पीला वाले को, ठीक है, इसको एलो बोन मैरो। इसमें क्या होता है? इसमें ज़्यादातर फैट पाया जाता है यानी वसा, और रक्त वाहिकाएँ तथा जाली ऊतक भी पाए जाते हैं। किस वाले में? जो एलो बोन मैरो होता है। तो याद रखिएगा, ये देखिए बहुत डीप स्टडी में हम लोग लेके चलते हैं, इसलिए लेके चलते हैं ना कि कभी आपको मतलब कि पूरी की पूरी जानकारी दे दो, ठीक है, पूरी की। अभी कई लोग पूछते हैं सर, या ये जो है IAS के लिए पर्याप्त है, PCS के लिए पर्याप्त है, नेट के लिए पर्याप्त है, या फिर SSC के लिए पर्याप्त है? भाई यार, हम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, हमारा इसे ये मतलब नहीं कि इस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। एग्ज़ाम वाले तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि हमने ओवरऑल चीज़ें पढ़ लिया, ठीक है, और बाकी आपको कुछ देखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब कुल मिला जुला के जो बात आती है अस्थि के बारे में, वो ये आती है कि जो अस्थियाँ होती हैं वो कठोर होती हैं, और जो उपास्थि होती हैं वो लचीली होती हैं।
अस्थियों में दोस्तों 50% जल होता है और 50% आपका ठोस पदार्थ होता है, याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, दीर्घ अस्थियों में जो बीच का होल होता है ना, हड्डियों के बीच का होल, उसको बोलते हैं हैवर्स कैनाल। क्या बोलते हैं? हैवर्स कैनाल बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या? चलिए आप बताइएगा, थोड़ा सा बाहरी बाहरी प्रश्न है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? फटाक से बताइए, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? उत्तर है ओसिन। मैंने पढ़ा है ना, कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों? ओसिन। अच्छा, उपास्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैंड्रोम्यूकोप्रोटीन। क्या नाम है? कैंड्रोम्यूकोप्रोटीन, म्यूको, कैंड्रोम्यूकोप्रोटीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए, अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं या किसकी वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं? तो क्या मैंने बताया? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, दोनों याद रखिएगा, कैल्शियम के और साथ ही साथ मैग्नीशियम, इन दोनों के फास्फेट की वजह से ही हड्डियाँ मजबूत होती हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, लंबी अस्थियों के सिरों पर लचीली संधि या गद्दियाँ जो होती है किसकी बनी होती हैं? याद रखो, कोई भी दीर्घ संधि है तो उसका एग्जांपल, वो किस चीज़ का उदाहरण है आपके? कार्टिलेज का उदाहरण है। कार्टिलेज, वो क्या जानना चाहता है आपसे? कार्टिलेज के बारे में जानना चाहता है। अच्छा, शिशु जो होते हैं दोस्तों, उसके अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो याद रखिए 300 हड्डियाँ, लेकिन एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ? 206 हड्डियाँ, क्योंकि बहुत सारी हड्डियाँ जुड़ करके एक बड़ी हड्डियों का रूप धारण कर लेती हैं। कहीं कहीं आप लोग पढ़ेंगे 306 भी दिया होता है, ठीक है, तो मार मत करिएगा, 206 आप याद रखिए, बच्चों का नहीं लिया जाता है क्योंकि बच्चों के आकार और रूप में बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसीलिए जो बच्चे होते हैं शुरुआत में किसी में 300 होता है, किसी में 301 भी होता है, किसी में 306 भी होता है, अधिकतम 306 है या 300 तक तो रहता ही रहता है, ठीक है। अच्छा, आपसे अगर ये पूछे कि अस्थियों में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो हमेशा याद रखिए 50% आपको बताई दिया और 50% आपका ठोस होता है, बताएंगे ना। अच्छा, एक चीज़ और बताइए दोस्तों, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो याद रखिए इनेमल है। क्या है? इनेमल। और ये कहाँ होता है? तो हमारा दांत जो होता है ये इनेमल का बना होता है और सबसे कठोर यही है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि मानव शरीर का बाह्य कंकाल बताइए, ऐसा कंकाल बताइए जो शरीर के बाहर हो। वैसे तो शरीर का कंकाल जो होता है शरीर के अंदर होता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बाह्य कंकाल कौन कौन से हैं। तो जो हमारे नाखून है ये बाह्य कंकाल के उदाहरण है। इसके अलावा जो हमारे शरीर में जो बाल वगैरह हैं ये भी हमारे बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, बाल और नाखून दोनों ही बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। कोई दिक्कत आपको? चलिए आगे आगे बताइए फिर से, और चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ। मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि किसकी होती है? सबसे मजबूत अस्थि, सबसे मजबूत हड्डी किस चीज़ को होती है? तो जबड़े की होती है। किसकी होती है? जो हमारा जबड़ा होता है इसकी हड्डी जो है सबसे मजबूत होती है। और लोगों को लगता है कि फटाक से जैसे हीरो लोग फाइट करते हैं जबड़ा मार के तोड़ देंगे ना, जबड़ा टूटता उठता नहीं है, बहुत मेहनत लगेगा तोड़ने में, ठीक है। तो याद रखिए मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है, किसकी है? तो जबड़े की, ठीक है। चलिए और कुछ तो यहाँ नहीं बनता है फिलहाल, चलिए आगे देखते हैं जैसा भी होता। अच्छा, सबसे ज़्यादा हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है? अगर ये पूछे कि किस मानव शरीर के किस अंग में सबसे ज़्यादा हड्डी पाई जाती है, तो आपका उत्तर याद रखिएगा हाथ। हाथ में सबसे ज़्यादा हड्डी होती है, ठीक है, हाथ में सबसे ज़्यादा हड्डी होती है। आइए शुरू करते हैं अभी आगे का टॉपिक। अब तो शुरू होता है हमारा मुख्य कंकाल तंत्र, ठीक है, और मैं इसके बारे में पढ़ाने ले चल रहा हूँ आपको। तो ये दो भागों में होता है, अगर आपको कंकाल तंत्र को समझना है तो दो भागों में। आज हम लोग सिर्फ अक्ष कंकाल को कवर करेंगे और नेक्स्ट वाले पार्ट में दोस्तों उपांग कंकाल को कवर करेंगे, ठीक है। तो अक्ष कंकाल को बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, अक्ष कंकाल। और इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो एक्सियल वाले में देखिए कुल चार हिस्से होते हैं। एक तो होता है आपकी खोपड़ी, खोपड़ी को स्कल बोलते हैं, इसमें कुल 29 हड्डियाँ होती हैं। एक होता है मेरुदंड, मेरुदंड में फिलहाल तो 33 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन आपको 26 काउंट करना है, क्यों मैं आगे बताऊंगा। वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं इसको, पसलियों को रिप्स बोला जाता है, इसमें कुल 24 होती हैं, एक्चुअली में 12 जोड़ी होती हैं, तो जोड़ी मतलब एक जोड़ी बराबर दो, तो यहाँ पे 24 ले लिया। और उरोस्थी इसको स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है, इसमें एक हड्डियाँ होती हैं। अगर इधर अपेंडिकुलर की बात करें तो इधर पादों की अस्थियाँ जो हैं यानी बोन्स ऑफ द लिम्स, ठीक है, 120 हैं टोटल, और हाथ पैर सब आ जाएंगे। और मेखलाएँ ये आपका ग्रिडल्स, ठीक है, इसमें कुल 6 हड्डियाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपनी कहानी शुरू करते हैं दोस्तों एक्सियल स्केलेटन से, ठीक है, अक्ष अस्थियों से। और इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों खोपड़ी के बारे में, स्कल के बारे में। तो याद रखिए यह गर्दन के ऊपर स्थित सिर का एक कंकाल है, जो हमारा सर होता है उसके कंकाल को हम लोग क्या बोलते हैं? खोपड़ी,
ठीक है। इसका ऊपरी भाग कुल 8 हड्डियों से मिलकर एक बॉक्स बनाता है जिसके अंदर हमारा जो मस्तिष्क होता है वो सुरक्षित रहता है। इस 8 कंकाल के अंदर ही सुरक्षित रहता है और ये 8 कंकाल मिलकर जो बॉक्स बनाते हैं उस बॉक्स का नाम क्या है, तो उस बॉक्स का नाम है कपाल। क्या नाम है? कपाल। इसी कपाल के ऊपर आपके बाल उगे हुए हैं, ठीक है, कपाल। इसको क्रैनियम बोलते हैं। कपाल को क्या बोला जाता है? क्रैनियम। बहुत मजबूत होता है अभी, लेकिन फिलहाल अगर सबसे मजबूत पूछे तो इनेमल ही बताना। इनेमल के बाद कौन सा होता है? तब आपका नंबर आता है क्रैनियम का, ठीक है। आगे देखिए, मानव मस्तिष्क इसी के अंदर सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के शेष भाग में ऊपरी तथा नीचे के जबड़े जॉज शामिल हैं, और मैंने आपको बताया कि सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आपके जबड़े में पाई जाती है, तथा कंठिका अस्थि जिसको हाइवाइड बोन्स बोलते हैं। तो इन टोटल को मिलाकर के 15 अस्थियां होती हैं। देखिए, 8 तो हमारा कपाल में हो गया, और कपाल से नीचे आओगे तो कुल 15 अस्थियां यहाँ हो जाती हैं। इसके अलावा प्रत्येक कान में 3 हड्डियां होती हैं। वैसे तो 3 जोड़ी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि भाई कान तो एक जोड़ी हमारे पास है ना। कान कितना है? एक जोड़ी। कान की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। एक जोड़ी मतलब 2 है, तो 3 जोड़ी मतलब कुल 6 हड्डियां हो गई, ठीक है। तो प्रत्येक कान में 3-3 हड्डियां होती है, मतलब 6 हो गई। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 8 हड्डियों से कपाल बना, 15 हड्डियों से हमारा जबड़ा वगैरह बना, और 6 हड्डियों से ये बन गया। तो 15 देखो, 8 6 14, ठीक है, 14 15 ये आप जोड़ लो, ठीक है। 14 15 कितना होता है? 29 यार, 15 2 30 -1 29, ठीक है। तो 29 हड्डियाँ हो गई हमारे खोपड़ी में, यही तो मैं आपको बताया हूँ, यही ना आपको बताया हूँ। तो याद रखिए, 8 14 1 और 6 कुल कितना हो गया आपका? 29 हड्डियाँ हो गई। अब देखिए, इसमें अगर 29 को मैं आपको डिफाइन करूँ कि सर आप जानना चाहो कि नहीं, आप सर बताइए हमको कि 29 कैसे होता है, तो जो कपाल होता है दोस्तों, कपाल को क्रैनियम बोलते हैं, और कपाल में हमने आपको बताया कुल 8 हड्डियाँ, कुल कितनी? 8। अब कपाल में जो 8 हड्डियाँ होती हैं कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता ऑक्सीपिटल। अब देखिए, नाम याद करना आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुन लो, ऑक्सीपिटल, पैराटाइल, फ्रॉन्टल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड और एथमाइड, ठीक है। पैराटाइल इसमें से जहाँ पर 2 हैं और टेम्पोरल में 2 हैं, तो 2 2 4 हो गया, और बाकी 4 3 4 और 4 ये 8 हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब ये तो कम से कम आप याद ही रखिए कि पैराटाइल और टेम्पोरल, इन दोनों में 2 2 हड्डियाँ हैं, बाकी जगह क्या है? 1 1 है, ठीक है। तो इस तरह से कुल 8 हड्डियों से हमारा कपाल तैयार हो गया। फेशियल मतलब फेस की बात कर रहे हैं, मतलब हमारा चेहरा बनता है, ये कुल कितने हड्डियों से मिलकर तैयार होता है? तो कुल 14 हड्डियों से मिलकर तैयार होता है हमारा चेहरा, जिसमें एक है नेजल, यहाँ 2 हड्डियाँ होती है, वोमर में 1 हड्डी होती है, टर्बाइनल 2 हड्डी होती है, लैक्राइमल। देखिए दोस्तों, लैक्राइमल एक ग्रंथि भी है जहाँ से आंसू निकलते हैं, जहाँ से आंसू जो होता है हमारा स्रावित होता है, तो लैक्राइमल एक ग्लैंड भी है, ठीक है, ग्रंथि भी है। इसके अलावा लैक्राइमल एक हड्डी का भी नाम है, ये भी याद रखिए, और 2 हड्डियाँ होती हैं। बाकी जाइगोमैटिक हो गया, पैलेटाइन हो गया, मैक्सिला हो गया, और मैंडिबल हो गया। इस तरह से कुल आप जोड़ेंगे, काउंट करेंगे, तो कुल 14 हड्डियाँ होती हैं लैक्राइमल। याद रखिएगा, हो सकता है कभी आपसे एग्जाम में पूछ दे लैक्राइमल क्या है, और ऑप्शन में ग्रंथि ही न दे, ठीक है, इसकी जगह कुछ और दे दे, तो आप जो गड़बड़ हो जाओगे। तो याद रखो, लैक्राइमल एक तरह की हड्डी का भी नाम है, लैक्राइमल याद रहेगा। चलिए, अब इसके अलावा मैंने आपको कान के में बताया कि कान में जो है 3 जोड़ी हड्डियाँ होती हैं, यानी कुल 6 हड्डियाँ होती हैं, ईयर ऑसिल्स, ठीक है। और मैं आपको कान के बारे में वीडियो भी बना चुका हूँ। तो एक होता है मैलियस, एक होता है इनकस, एक होता है स्टेपिस। जो सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की वो कौन सी है? स्टेपिस है। तो इस तरह से क्या हो गया, 6 हड्डियाँ आपके कान की हो गई, ठीक है। और एक हड्डी आपका बचता है हाइड भाग, ठीक है, हाइड बॉडी इसको बोला जाता है, ये एक हड्डी यहाँ से संबंधित है। कुल मिला के 29 हड्डियाँ कहाँ पर हो गई? ये हमारे कपाल में हो गई, ठीक है, खोपड़ी में। अब अगला पॉइंट हमारा है मेरुदंड के बारे में, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो याद रखिए, मेरुदंड को रीढ़ भी कहते हैं। मेरुदंड को क्या बोला जाता है? रीढ़ भी कहा जाता है। ये गर्दन से लेकर के नीचे पुच्छ अस्थि, जहाँ पर टेल बोन बोला जाता है, मतलब जहाँ बैठते हो एकदम नीचे छोटा सा एकदम निकला हुआ ऐसे हड्डी दिखेगा, टेल बोन, वहाँ तक फैला होता है, और 33 अस्थियों का एक स्तंभ होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोगों का यहाँ कन्फ्यूजन होने वाला है। याद रखें दोस्तों, जो हमारा मेरुदंड है वहाँ है तो कुल 33 अस्थियों का एक स्तंभ है, जिसकी प्रत्येक अस्थि को हम क्या बोलते हैं? कशेरुका बोलते हैं। और कहीं हड्डियों को कशेरुका नाम नहीं देते हैं, लेकिन कशेरुका या कशेरुकू, लेकिन जो मेरुदंड होता है इसकी हड्डियों को हम लोग क्या बोलते हैं? कशेरुका बोलते हैं। इसे अगर आपको जानना है मेरुदंड को, तो कुल 5 भागों में बांटा जाता है। एक गर्दन है, वक्ष है, कटी है, त्रिक है, इसको त्रिकास्थि भी बोलते हैं, और अनुत्रिकास्थि, त्रिकास्थि और अनुत्रिकास्थि, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। हमारा जो गर्दन होता है, गर्दन में कुल 7 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, और गर्दन को बोलते हैं सर्वाइकल। कई बार बोलते हैं ना सर्वाइकल प्रॉब्लम है, सर्वाइकल मतलब गर्दन, गर्दन में दिक्कत है, तो सर्वाइकल यानी गर्दन। वक्ष क्या होता है दोस्तों? तो इसको बोलते हैं थायरोसिस। और वक्ष जो होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो एक आदमी है, ठीक है, उसके पीठ का मैं सीन बता रहा हूँ, ये ऐसे होता है,
ऐसे होता है, थोड़ा सा निकला हुआ, ठीक है, ये जो कुबड़ जैसा निकला हुआ हिस्सा होता है यही आपका वक्ष होता है। क्या होता है? वक्ष। जैसे आप ऐसे एकदम स्ट्रेट करके बैठो थोड़ा सा, तो आपका जो एकदम गर्दन के ठीक नीचे वाला हिस्सा है जो पूरी पीठ की चौड़ाई बताता है आपको, यहाँ वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका क्या है? थायरोसिस है, यानी आपका वक्ष है। वक्ष के ठीक नीचे कटी होता है, जहाँ से आपका कमर स्टार्ट होता है, कमर के ठीक ऊपर, पेट के ठीक पीछे आपका कटी होता है, जहाँ पर हड्डी क्या होता है कुछ समय के लिए ऐसे मुड़ता है। ये जो मुड़ने वाला पॉइंट है ये आपका क्या है? ये आपका कटी है। कटी बोले तो लंबर। यहाँ पे कुल 5 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद फिर से वापस क्या करता है? फिर से वापस ऐसे होने के बाद फिर से वापस ये ऐसे होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन थोड़ा सा बाहर वाला, इसको त्रिकास्थि बोलते हैं, त्रिक या त्रिकास्थि, सैक्रल बोला जाता है। यहाँ पे कुल 5 कशेरुकी होते हैं और 5वें नंबर पे अनुत्रिकास्थि, ये नीचे की तरफ होता है। यहाँ पे कुल 4 कशेरुकी होते हैं। तो अगर टोटल आप जोड़ोगे कौन कौन सा, 7, 12, 5, 5, 4, तो टोटल जोड़ोगे तो हो जाएगा 33 कशेरुकी, ठीक है। यानी मेरुदंड कुल कितने स्तंभों से मिलकर बना होता है? तो 33 कशेरुकों से मिलकर बना होता है। लेकिन जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें कुल 26 मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कुल कितना मानते हैं? 26। क्योंकि ये जो अनु त्रिकास्थि और अनुकास्थि है, तो यहाँ से जो दोस्तों 7 हड्डियाँ, यहाँ से 7 हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये 2 हड्डियों का रूप धारण कर लेती हैं। याद रखो, जैसे अभी इनकी संख्या कितनी है, वैसे त्रिकास्थि और अनुत्रिकास्थि संख्या 5 और 4, 9 है, ठीक है। तो ये 9 जो है ये 2 हड्डियों में खाली मिलती हैं, 2 हड्डियाँ ही, ठीक है। मतलब एक है और एक है, मतलब इतना बड़ा इसका स्वरूप होता है कि 2 हड्डियों में जुड़ जाती हैं, सब आपस में अटैच हो जाते हैं। और अटैच होने के बाद जो है आप उसको अलग अलग हड्डी नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। तो याद रखिए, जब वयस्क मनुष्य हो जाता है, बच्चा छोटा है, तब तो उसके मेरुदंड में 33 हड्डियाँ हैं, लेकिन बड़ा होते ही, ठीक है, जब वो वयस्क हुआ तो उसके मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 26। क्यों? क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे 9 काउंट किया, ये अब 2 बचे हैं, तो 2 बचे हैं। तो चलो, इसको अगर हमने 2 मान लिया दोस्तों, इसको हमने अगर 2 मान लिया, तो यहाँ क्या देखिए, 12, 12, 7 कितना हो जाएगा? 19, 19, 5 कितना हो जाएगा? 24, और 24, 2 कितना हो जाएगा? 26, ठीक है। इस तरह से दोस्तों वयस्क मनुष्य के शरीर में आपको कितना काउंट करना है? 26 काउंट करना है। गलती मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर एग्जाम में पूछता है तो दोनों पॉइंट पर फोकस करिएगा। अब इसके बाद हमको देखना है पसलियों के बारे में। पसलियों को बोला जाता है रिप्स। क्या बोलते हैं? रिप्स। इनकी कुल संख्या दोस्तों 12 जोड़ी होती है, यानी 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने, वक्ष मतलब क्या बता रहा है? गर्दन के ठीक नीचे जो चौड़ा वाला हिस्सा था पीठ का, या जो ऐसे निकला था कुबड़ की तरीके से, उसको वक्ष बोलते हैं। करा वक्ष के ठीक सामने की ओर उरोस्थि होता है। क्या होता है? उरोस्थि। उरोस्थि को बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। यह उरोस्थि से लेकर के और पीछे की ओर किसी एक वक्ष कशेरुका से जुड़ा होता है। अब जैसे ये कशेरुका की हड्डी है ना, अगर मैं सामने से बात करूँ तो ऐसे करके दोस्तों, ऐसे करके होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके होता है, ऐसे ऐसे करके हमारे फेफड़े के चारों ओर से जो है, अब इसमें एक तरफ फेफड़ा होता है, ऐसे फेफड़ा होता है, दोनों तरफ एक तरफ हर्ट होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है, याद रहेगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये कशेरुका से जुड़ा होता है। ये सभी पसलियाँ जुड़कर लगभग बेलनाकार एवं एक पिजड़ा तैयार करती हैं, जिसको केस यानी पिजड़ा तैयार करती हैं, और इसी पिजड़े में हमारा फेफड़ा और हृदय दोनों जो है स्थित रहता है, ठीक है। ऊपर की ओर से जो पहली 7 हड्डियाँ हैं, पहली 7 जोड़ी हड्डियाँ, 7 नहीं, जो 7 जोड़ी हड्डियाँ, क्योंकि दोनों तरफ रहेंगी ना ऐसे फिर ऐसे, तो ये जोड़ा बना देती हैं अपना, ठीक है। तो ये जो 7 जोड़ी हड्डियाँ यानी कुल 14 पसलियाँ जो हैं, ये सामने की ओर सीधे उरोस्थि से जुड़ती हैं, एकदम स्ट्रेट आके कहाँ जुड़ती हैं? उरोस्थि से जुड़ती हैं। इसलिए इन हड्डियों को, इन उपास्थियों को क्या बोलते हैं? मुख्य या यथार्थ पसलियाँ बोलते हैं, यानी ट्रू रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू रिप्स, ओके। इसके बाद जो 8वां, 9वां और 10वां नंबर आता है, कौन कौन सा? 8वां, 9वां और 10वां जोड़ा आता है, मतलब यहाँ की कुल 6 हड्डियाँ, जोड़ा मतलब 6 हड्डियाँ हो गया ना, तो यहाँ की कुल 6 हड्डियाँ जो हैं ये पसलियों के सामने के सिरे को क्रमशः अपने ऊपर की पसलियों से जुड़ी होती हैं, ठीक है, एक के बाद एक अपने अपने ऊपर से जुड़ी होती हैं क्रमशः, 10वां जाके 9वां से, 9वां जाके 8वां से, 8वां जाके 7वां से, ऐसे ऐसे करके जुड़ी होती हैं ये 6 पसलियाँ। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड है, इसलिए उनको गौड़ पसलियाँ बोलते हैं या फाल्स रिप्स बोला जाता है। अभी हम देखो कुल होती है 12 जोड़ी, 7 जोड़ी तो यहाँ हो गया, 8, 9, 10 यहाँ हो गया, अभी 11, 12 कहाँ पे है? तो 11, 12 यहाँ पे है। देखिए 11वां तथा 12वें जोड़े की पसलियाँ केवल पीठ तक ही सीमित रहती हैं। कहाँ तक? केवल पीठ तक ही सीमित रहती हैं, अर्थात ये उरोस्थि से नहीं जुड़ती हैं। याद रखिएगा, जो 11वीं और 12वीं पसली हैं, मतलब ये 4 हड्डियाँ, ये केवल पीठ तक ही सीमित रहती हैं, ये उरोस्थि से नहीं जुड़ती हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है दोस्तों? इनको बोलते हैं चार्ल्स पसलियाँ। क्या बोलते हैं? चार्ल्स। चार्ल्स यानी फ्लोटिंग रिब्स,
ठीक है। कभी कभी आपसे पूछता है कि फ्लोटिंग रिब्स की संख्या कितनी होती है, तो या तो आप रखो 2 जुड़ी या तो आप याद रखो 4। ठीक, अब देखो अगर आप डिटेल में नहीं पढ़े हो यार तो पता ही नहीं यार कि फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है। एक बार पढ़ो ना, मौका मिला है, ज़िंदगी आपको मौका दी पढ़ने के लिए, तो पढ़ना चाहिए एक बार इंसान को डिटेल से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगर अच्छा वही आपसे पूछ देता है दोस्तों कि फाल्स रिब्स कितने होते हैं, तो वहाँ पे कुल 3 जोड़ी था ना, 8, 9 और 10, 3 जोड़ी था, मतलब क्या हो जाएगा, या तो 3 जोड़ी ऑप्शन में थे आपका उत्तर, ठीक है, या तो आपको 8, 9, 10वां बोले, 8वां, 9वां, 10वां जोड़ी, या आपको ये बोले कि 6 हड्डियाँ, ठीक है, तब आप जो है उन सारे आंसर आपके सही होंगे। तो उरोस्थी, उरोस्थी क्या होता है, स्टर्नम, अभी हमने देखा ना उरोस्थी, या उरोस्थी को दोस्तों स्टर्नम भी बोलते हैं या ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन। यह लंबी एवं चपटी अस्थि होती है जो वक्ष के बीच तथा गर्दन के नीचे से लेकर के पेट के ऊपर तक स्थित होती है। इस प्रकार जो हमारा पेट के बहुत सारे जो चीज़ होते हैं वो इस हड्डी पे जाके रुके रहते हैं। भाई हमारा पेट का पूरा लोड किस पे रहता है? वो इस उरोस्थी पर ही रहता है, ब्रेस्ट बोन के ऊपर ही रहता है। ठीक है, ये ठीक गर्दन के नीचे स्टार्ट होता है और पूरा पेट तक जाता है, आपके पेट के ऊपर तक। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस प्रकार जो अक्ष कंकाल होता है इसमें कुल कितना हो गई हड्डियाँ, हो गई अस्थियों की संख्या कुल 80 हो गई। कैसे? 29 हमने कहाँ देखा दोस्तों? कपाल में। 26 हमने देखा, 26 के फिलहाल 33 था, लेकिन हमने बताया कि जो वयस्क मनुष्य होंगे वहाँ पर जो आपका त्रिकास्थी होता है और अनुत्रिकास्थी होता है ये जुड़ जाते हैं। हालांकि त्रिकास्थी और अनुत्रिकास्थी में कुल हड्डियों की संख्या 9 थी, लेकिन वो 2 ही लेते हैं तो 7 यहाँ से माइनस हो जाता है, वही 33 में से 7 घट गया, तो आपका उत्तर क्या आ गया? आपका उत्तर आ गया 26। ठीक है, वो हो गया। बाकी 24 आपका क्या हो गया? वो आपकी उपास्थियाँ हो गई, जो पसलियाँ थी, पसलियाँ हो गई 12 जोड़ी 24, और एक आपका कहाँ पर आ गया? सिंगल जो आपका फॉर्मेट है वो आपका उपोस्थी हो गया। ठीक है, एक हड्डी पूरा मिला के होता है, इस तरह से आप टोटल आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 24। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और अगले वीडियो में मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, और वहाँ पे हम लोग पाद संबंधित अस्थियों के बारे में पढ़ने, मतलब हमारे हाथ और पैरों में कौन कौन सी अस्थियाँ होती हैं ये पढ़ेंगे, और अलग अलग अस्थियों के जोड़ को क्या बोलते हैं, जैसे जो हमारा घुटना है वहाँ पर जो 2 अस्थियाँ मिलती हैं तो उस जोड़ को क्या बोलते हैं, हाथ जो है हाथ का कुहनी जो है वहाँ पे 2 अस्थियाँ मिलती है तो क्या बोलते हैं, तो इस तरह से उनके जोड़ों के बारे में पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि हड्डियों से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं। तो अगला आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते चलिएगा, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बायोलॉजी, हिंदी और पॉलिटी ये तीनों थोड़े थोड़े बचे हैं, तो इन तीनों सब्जेक्टों को दोस्तों धीरे धीरे मैं एकदम एक एक करके कवर करते चलूँगा, डेली आपको वीडियोज़ दूंगा मैं इससे संबंधित कोई ना कोई वीडियो, ताकि आपका चैप्टर फटाफट जो है वो कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर मैं छोटा मोटा अमाउंट रखता हूँ, 20-25 रुपये रखता हूँ, ऐसा जो आप अफोर्ड कर सकते हो, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि देखो आप हमारे परिवार हो, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी ऐसा काम करूँ जो आप से बिना पूछे करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे सलाह लूँ, मैं अपने आप को अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके सिर्फ इतना बताइएगा कि क्या ये मेरा करना सही है, क्योंकि अगर आप लोग कहोगे नहीं सर आप चार्ज मत रखिए, तो मैं उसके बारे में भी विचार करूँगा, लेकिन मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दिया, इसलिए शेयर किया, मैं जानता हूँ ना आप मेरे भाई बहनों, यार आप हमारी बातों को समझोगे। ठीक है, नॉर्मली यार 10-20, और ये भी नहीं कि मैं आपको चैप्टर वाइज दे रहा हूँ कि यार आप एक चैप्टर ले लो 10-20 रुपये, नहीं, ये काम नहीं करना मुझे, मैं बिल्कुल मिनिमम उसका फ़ी रखूँगा, और पूरी की पूरी बुक आज तक जितना बायोलॉजी में पढ़ाया हो ना वो सब आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सब टोटल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा पूरा सब्जेक्ट ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे इस बारे में आपसे राय लेनी है, तो प्लीज़ दोस्तों एक बार कमेंट जरूर से करिएगा। कमेंट से क्या होता है ना कि हमको पता चलता है कि नहीं ये चीज़ सही है या गलत है, क्योंकि मैं मानता हूँ यार कि मैं अपने आप में परफेक्ट नहीं हूँ। ठीक है, और जो डिसीजन होना चाहिए वो सभी से पूछ के होना चाहिए, सभी के सहमति से होना चाहिए, तो अगर आप लोग सहमत हो इस बात पर तो बताना, और ऐसा ही अमाउंट हम रखेंगे, कोई बड़ा हमको करने कोई दिक्कत नहीं, 150 का तो मेरे मन में कोई ख्याल ही नहीं है, वो असंभव है, वो धरती पे ब्रह्मा भी आ जाएंगे, कहेंगे अपने पीडीएफ का दाम आप 100 रुपया रख लो, 50 रुपया रख लो, ये मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये सिंपल सी है, तो इसलिए एकदम मिनिमम चार्जेस रखूँगा। एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि मुझे क्या रखना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दोस्तों प्लीज़ अगर किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो उस एडवर्टीजमेंट को आप पूरा देखा करिए, क्योंकि उसी के भरोसे सारा काम चल रहा है, और प्लीज़ ठीक है, क्योंकि ये तभी बुक वुक जो टाइपिंग हो रहा है ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है यहाँ पे, और मेरे पास है नहीं, फिर भी भगवान है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम धीरे धीरे चल ही रहा है। जब कोई भी आदमी किसी के लिए अच्छा करता है ना तो पूरी समाज की जो फैक्टर है ना, जो स्थितियां हैं ना, वो उसके अनुकूल बन जाती है। मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है,
इसलिए मुझे कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, जो चाहता हूँ वो मुझे हासिल हो जाता है, वो मिल जाता है मुझे, बड़े इजीली मिल जाता है। तो बड़ा अजीब सा लगता है यार कि आखिर ये सब कैसे हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता है कि कैसे हो जाता है। तो चलिए, आप लोगों का प्यार और सहयोग बना रहता है इसी वजह से हो जाता है, वरना हमारा क्या अस्तित्व है यार आप लोगों के सामने। ठीक है, चलिए बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।